नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 23rd of July 2024 बजट सेशन का दिन, जिसका कि हर एक इंडियन को इंतजार रहता है, स्पेशली हर एक स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन आज एक स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के ऊपर, पूरी की पूरी एंटायर स्टॉक मार्केट के ऊपर एक सॉलिड सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये टीवी चैनल्स आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि टीवी चैनल्स तो ये बताएंगे कि वहां पर इतना लोकेशन हुआ, बिहार में इतना फंड गया। बट एक्चुअली जब वो प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर और एज एन इंडियन आपके ऊपर पड़ रही है, दैट यू आर नॉट इवन बीइंग टोल्ड, उसको हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अच्छा हुआ है। देर हैव बीन समथिंग विच आर गुड, और गुड कैसे हुई है क्योंकि उसको भी हम लोग आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किसको घुमा करके किसको टोपी पहनाई गई है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अभी तक 50,000 रुपीज होता था, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 75,000 रुपीज। मतलब अगर आपकी इनकम 75,000 रुपए तक है तो फिर आपको कोई भी टैक्स देने की ही जरूरत नहीं है। देर विल बी नो टैक्स एप्लीकेबल ऑन यू। इनफैक्ट अगर आपका जो स्लैब है वो टैक्सेबल इनकम में भी आता है तो भी आपको 75,000 रुपीस की छूट मिलेगी। ये तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा आपके इनकम से। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर पहले और अब में फ़र्क क्या हुआ है। अगर आप पहले देखें तो आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, और 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% का टैक्स देना पड़ता था, जो अब बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और 5% का टैक्स अब पड़ेगा 3 से 7 लाख की इनकम के बीच में। तो अगर आपकी इनकम 6,99,999 रुपीज़ है तो फिर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा अप टू योर इनकम। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी, मतलब 7 लाख 1 रुपए होगी, तो आपको स्ट्रेट अवे 70,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। मतलब 1 रुपए भी बढ़ा तो सीधे 10% का टैक्स आपके ऊपर लगेगा। ओके, ऑफकोर्स जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको हटाने के बाद, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट था वो कितना था। अगर आप देखें तो 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% था, और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता था। सो 12 से 15 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स देना है, तो यहां पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, और 15 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज न्यू। मतलब यहीं पर ही आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, अदरवाइज अगर आप देखें तो 15 लाख के ऊपर 30% का डिस्काउंट पहले भी था, और 15 लाख के ऊपर 30% का डिस्काउंट अभी भी है। तो 15 लाख के ऊपर इनकम करने वालों के ऊपर कोई भी खास डिफरेंस नहीं आया है, अदर देन 75,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, बस यहीं पे खत्म हो गया। एवरीथिंग वट एवर इज गुड इज ओवर नाउ। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में प्लेयर हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म गेन्स आपको होते थे, जो स्विंग ट्रेड लेते थे, जो हम लोग स्विंग ट्रेड लेते थे, हमने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेची, तो अगर हमको शॉर्ट टर्म में विद इन वन ईयर अगर हमको 50 रुपए का प्रॉफिट या 100 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो हमको पहले अर्स्टवाइल ओनली 15% का टैक्स देना पड़ता था, जो कि बढ़ा करके शॉर्ट टर्म गेन्स हैव बीन इंक्रीज टू 20% नाउ। सीधे 5% का ये फटका हम लोग को लगेगा एज अ स्विंग ट्रेडर। ये तो बात हो गई ये तो हो गई फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, दैट विल बी अट्रैक्टिंग द टैक्स रेट ऑफ 12.5%, जो कि पहले 10% होता था। तो सीधे आप देखें तो यहां पर भी टैक्सेशन बढ़ा दिया गया शॉर्ट टर्म गेन में। पहले दोस्तों एक जमाना था 2018 तक, आपको कितना भी डिविडेंड मिलता था उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अपने टाइम पे दे देते थे, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था एज एन इन्वेस्टर। लेकिन 2018 के बाद टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, और आपको जितना भी आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर टैक्स लेना शुरू किया गया, मोर देन 1 लाख ऑफ कोर्स। दैट वॉज दी वन थिंग दैट वॉज स्टार्टिंग 2021। 2018 में तो और भी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी थी। अगर आप क्रोनोलॉजी ही जानना चाहते हैं तो 2017 में इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी लागू शुरू कर दी गई थी। 2018 में टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। 2020 में डिविडेंड वॉज नेवर टैक्स, तो 2020 से डिविडेंड भी टैक्स शुरू कर दिया गया था। 2023 से जितना भी आपको एग्जेम्पशन मिलते थे, आप होम लोन लेकर के थोड़ा सा एग्जेम्पशन ले लिया करते थे, एंड सो ऑन, दैट ऑल हैज बीन वैनिश्ड सिंस 2023 ऑनवर्ड्स।
तो कंपनी से सोचा कि आप डिविडेंड तो इन्वेस्टर को डायरेक्टली टैक्स लगता है, तो बायबैक कर लेते हैं। बायबैक में कोई टैक्सेशन नहीं है, बायबैक में जो भी आपको जो पैसा आपको मिलता था, जो शेयर्स आप टेंडर करते थे बायबैक में, वो पैसा आपको मिल जाता था, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता था। लेकिन अभी बायबैक को भी डिविडेंड के बराबर इक्वेट कर दिया गया है, एंड इनकम फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर्स हैज ऑल्सो विल ऑल्सो बी टैक्स एट द हैंड ऑफ रिसिपियंट्स एंड एसटीटी ऑन द रेट ऑफ एफनोट वॉज रेस्ट टू 0.02% फ्रॉम 0.1%। और यही नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि पहले 10% पड़ता था, वो भी बढ़ा करके इन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10% टू नाउ 12.5%। तो जो पहले आपको 10% LTCG पड़ता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ता था, अब वो सीधे सीधे बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। और जो एफएनओ ट्रेडर हैं वो लोग काफ़ी चेयरअप हो रहे थे कि एफएनओ ट्रेडिंग पे तो कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो ऐसा नहीं है। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो कि आपसे पहले सिर्फ 0.02% लिया जाता था, वो भी 0.1% कर दिया गया है, जो कि अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, बट ये 5 गुना बढ़ा दिया गया है, 5 times फ्रॉम 0.02% टू नाउ 0.1%। और इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो इससे सबसे बड़ा नुकसान रिटेल ट्रेडर्स को हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स अपना कोई भी एक्सपेंस बिजनेस इनकम में शो नहीं कर सकते। ऑल्दो एफएनओ ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम ही माना जाता है, बट ना तो वो कोई बहुत बड़ा सेटअप क्रिएट करके बैठे हुए, ना उनके पास बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं जो कि ये सारी चीज़ें डिटेल में चेक करें और सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसको सेट ऑफ करें। तो जिनको लगता है कि गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो जो ज़ेरोधा के जो नंबर वन है बॉस हैं, उन्होंने बोला है कि पिछले साल 1500 करोड़ उन्होंने कलेक्ट किए थे एसटीटी के फॉर्म में, जो कि अब बढ़ करके करीब करीब 2500 करोड़ हो जाएगा। तो अगर हम लोग ज़ेरोधा को 1/10 ऑफ दी ब्रोकिंग इंडस्ट्री माने, 1/10 से भी छोटा है वैसे, लेकिन 1/10 माने, तो सीधे सीधे 25,000 करोड़ का बेनिफिट गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एसटीटी बढ़ाने से हो गया है। प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है। अभी आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे, और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते थे, तो उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। मतलब अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा समय तक होल्ड कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हर साल इंडेक्सेशन का एक नंबर दिया जाता है। तो इंडेक्सेशन सीबीडीटी के द्वारा इंडेक्सेशन का एक नंबर दिया जाता है, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जितना भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ती है ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाती है, तो आपको बहुत ही कम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता था। लेकिन अभी वो इंडेक्सेशन भी खत्म कर दिया गया है। सो द विथड्रॉल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन द सेल ऑफ रियल स्टेट प्रॉपर्टी मींस दैट ओल्डर हाउसेज विल नाउ बी टैक्स्ड मोर हेविली विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अगर आप मुझसे पूछें कि सर मेरे पास तो बाप दादाओं की जमीन पड़ी हुई है, तो क्या उसमें इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होगा? सो जो भी प्रॉपर्टी 2001 से पहले ली गई है, 2001 से पहले ली गई है, उसी पर ही इंडेक्सेशन का ग्रैंडफादरिंग मिलेगा। 2001 के बाद कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने ली है, 2002, 3, 4, 5, अभी पिछले साल जब कभी भी, उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस पर आपको सीधे सीधे कैपिटल गेन लगेगा, वो भी अच्छा खासा 12.5% का। तो बेसिकली सिचुएशन ये आ गई है कि आप जो पुअर हैं पुअर के लिए आप फ्रीबीज को बांटिए एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल हु आर गिविंग टैक्सेस, और हर एक जगह पर टैक्सेशन को बढ़ा दिए गए। अगर आप इन्वेस्टर हैं किसी भी फॉर्म में, अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है मैसिवली। द ओनली पर्सन हु हैज बीन गिवन सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इज द सैलरीड पर्सन, लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्ट करेगा हिज टैक्सेशन हैज बीन इंक्रीज्ड। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें रियल स्टेट की, तो रियल स्टेट में बूम को रोकने के लिए अगर आप देखें तो अगर ये है रियलिटी इंडेक्स विच वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 5200 इन 2023 एंड 2023 के एंड की बात कर रहा हूं मैं, 5200 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 60% रन अप कर गए इन 6 months। अब 60% अगर रियलिटी इंडेक्स बूम करेगा इन 6 months, तो गवर्नमेंट की नजरें तो वहां पर जाएंगी। तो अगर आप पैसा कमाएंगे भाई, सिंपल सा फंडा गवर्नमेंट का है, मोदी जी की गवर्नमेंट का है, पैसे कमाओगे तो भाई टैक्स दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसे कमाएंगे और पैसे बचा के ले जाए, नो भाई, साड्डा हा कैथेरक वाला हिसाब किताब है जो कि आपके सामने है। अब आप इसको आप टैक्स टेररिज्म बोलिए, इसको आप सर्जिकल स्ट्राइक बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, सामने है आपके डिटेल्स।
अगर रियलिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो रियलिटी इंडेक्स में मेरे हिसाब से जो फॉल है आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना होने की वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बचा। बिकॉज यू इन्वेस्ट, यू ब्लॉक योर कैपिटल, यू ब्लॉक योर मनी, देर आर सो मेनी टैक्सेस, इतने सारी पचौड़े, इतने सारी समस्याएं, उसके बावजूद भी इफ़ यू डू नॉट गेट इंडेक्सेशन देर इज जस्ट नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट नाउ। तो मेरे हिसाब से आपको रियल स्टेट के इंडेक्स में और रियल स्टेट में काफ़ी तेजी से क्रैश आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बी मेंटली प्रिपेयर। इंडेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट तो मुझे 7399 पे दिखाई पड़ रहा है, तो मोटा मोटा मुझे रियलिटी सेक्टर में पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ब्रॉडली 10% की गिरावट तो साफ साफ ही दिखाई पड़ रही है। डीएलएफ का स्टॉक तो आज 6% के आसपास जाऊं था, लेकिन अपने हाईस के बारे में बात करें तो 960 से ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट कर चुका है अच्छा खासा, अप्रॉक्सिमेटली 15-18%, और अभी ये गिरावट तो अभी शुरू होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया रियल स्टेट नॉन लिक्विड एसेट जिसको कि आप वेरी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, सारे टैक्सेस देते हैं, इतना सारा स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इट विल बी मोस्ट अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर एनी इन्वेस्टर। अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें किस और सेक्टर को बेनिफिट मिला है, सो दोस्तों अगर आप कुछ इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जैसे कि जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से गोल्ड की बाइंग थोड़ी मोड़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। बट एट द सेम टाइम जैसे ही आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके उसको सेल करेंगे, फिर से वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन बढ़ जाएंगे। अब स्टॉक लाइक मनापुरम फाइनेंस वॉज डाउन मैसिवली टुडे, 5.5% के आसपास मनापुरम फाइनेंस डाउन था। अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें गिरावट हो सकती है, तो दोस्तों मनापुरम जिस प्रकार से गोल्ड में आज के दिन 5% की गिरावट थी, और सिंपल सी चीज है, ये गोल्ड क्या ये करते हैं, गोल्ड लेते हैं, गोल्ड की वैल्यूएशन करते हैं, गोल्ड की वैल्यूएशन करके 70% के आसपास आपको पैसा दे देते हैं और गोल्ड अपने पास रख लेते हैं। अब भाई गोल्ड की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो उनके पास जो एसेट्स हैं गोल्ड के फॉर्म में तो हैं, उनकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। इसी कारण स्टॉक में आज आपको क्रैक दिखाई पड़ा, जितना गोल्ड गिरेगा उतना ही आपको मनापुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। और हमने आपसे क्या बोला था, गोल्ड 68,000 के प्राइस पे आएगा कि नहीं आएगा, बोला था कि नहीं बोला था। गोल्ड अभी एक हफ्ते पहले ट्रेड कर रहा था 74,000 के प्राइस पे, ऑल्दो 70,000 के प्राइस पे जब था तो हमने कहा था इसमें तेजी होगी और इसके 74,000 गया, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैंने गोल्ड बिल्कुल भी बाय नहीं किया, आई वेट फॉर 68,000 लेवल्स टू कम, और आज के दिन 68,500 के लेवल्स गोल्ड में आ गए हैं, जहां तक मुझे लगता है गोल्ड में 66,500 तक के लेवल्स आने के चांसेस मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों ये इवनिंग रैप नहीं है, दिस इज नॉट एन इवनिंग रैप, इवनिंग रैप में सब्सिक्वेंटली पोस्ट करूंगा, लेकिन मैंने सोचा बजट को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको टीवी चैनल वाले बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, दे आर जस्ट फोकसिंग कि इस बजट को यहाँ मिल गया, इनको ये मिल गया, स्किल सेंटर क्रिएट किया गया है और गया में, और यहाँ पे फलां फलां जगह पे इतना पैसा गया है, बट अल्टीमेटली एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको क्या मिला है, व्हाट यू हैव गॉट, दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू। गोल्ड के बारे में बात करें, मैं क्यों 66,500 के आसपास की आने की बात कर रहा हूं, दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जो कुछ भी बोलता हूं ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं गलत भी हो सकता हूं, ग्रॉसली गलत हो सकता हूं, तो मेरे कहने पर कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। गोल्ड के बारे में बात करें तो मुझे लगता है 66,500-66,300 तक गोल्ड आ सकता है, गारंटी कोई नहीं है, गारंटी इस बात की भी नहीं थी कि 68,500 आएगा, कोई गारंटी नहीं थी। हां एक एनालिसिस होती है, एनालिसिस के बेसिस पे दोस्तों मैं ये बात बोल रहा था, और अगर आप देखें तो गोल्ड ने 68,800-68,500 के लोज आज लगा दिए हैं, एज पर माई एनालिसिस 66,500 के आने के चांसेस हैं, आई कैन नॉट गिव यू गारंटी फॉर द सेम। गवर्नमेंट ने शिपिंग सेक्टर को कुछ बूस्ट दिया है, शिपिंग सेक्टर को बूस्ट देने के कारण, इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें किन सेक्टर को बूस्ट दिया गया तो मैं आपको उंगली पे काउंट करके बता सकता हूं, सिर्फ 6 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको बूस्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर, जहां पर कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस करके 6% किया गया है, इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के वहां पर जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, सी फूड वाले बिजनेसेस की जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको रिड्यूस करके 5% किया गया है, सोलर एनर्जी के पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटीज ऑन दीज पार्ट्स रिलेटेड टू सोलर एनर्जी विल नॉट बी एक्सटेंडेड, तो कस्टम ड्यूटीज इन पे एक्सटेंड नहीं की जाएगी, और जो फुटवेयर हैं वहां पर कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस किया जाएगा, कितना रिड्यूस किया जाएगा ये अभी भी नहीं बताया गया है। स्टॉक लाइक अर्बन टी फीड्स, इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, ऑल्दो स्टॉक अपने 2021 के हाईस पे ऑलरेडी आ चुका है, ये न्यूज़ काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक में पॉजिटिविटी आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। सो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि इस पूरे के पूरे सेक्टर में अगर आप पूछे अवंती फीड्स, एपिक्स फ्रोजन, इन सभी स्टॉक्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए, विच इंक्लूड्स मुक्का प्रोटीन एज वेल, जिसमें कि अच्छा खासा पैसा हम लोगों ने पिछले लास्ट कपल ऑफ वीक्स बनाया है, 40% के आसपास का जंप इसने दिखाया था लास्ट 3-4 दिनों में। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मार्केट
बजट में ज़्यादा कुछ पॉजिटिव है नहीं इस बजट में। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि आरवी नल जैसे स्टॉक क्यों गिर रहा था, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने जो केपेक्स प्लान किया था वो केपेक्स अब कॉन्स्टेंट रखा है, देर हैज़ बीन नो इंक्रीज इन केपेक्स। मतलब जो पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर था 11.11 लाख करोड़ का, उसको सेम ही रखा है, अनचेंज रखा है। सिंपल सी चीज़ है, स्टॉक लाइक टीटागढ़ वैगन, स्टॉक लाइक जुपिटर वैगन, स्टॉक लाइक बीईएमएस, स्टॉक लाइक आरवीएनएल, एबीबी, ये सब क्यों भाग रहे थे? ये सब सीधे सीधे वेंटिलेटर पे पड़े हुए थे, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं अभी, पहले तो नहीं पड़े हुए थे, ये भाग रहे थे। और भाग किस ग्लूकॉन डी की वजह से रहे थे? कि इनके पास सरकारी पैसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने अपने सरकारी पैसे के बजट को नहीं बढ़ाया और अनचेंज रखा है, मतलब जितना बजट था केपेक्स का उतना ही रखा है। और इनकी वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि 80-80 के पी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में तो दोस्तों मेरे हिसाब से करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा है बजट, मुझे कमेंट्स में पक्का बताएं। जो मेरा व्यू था दोस्तों, सही गलत जैसा भी आपको लगा, यू कैन लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट्स, यू कैन लेट मी नो व्हाट आई परसीव इज राइट और रॉन्ग। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दिस इज वेरी वेरी डीमोटिवेटिंग एंड डिस्करेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।